क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि वास्को डी गामा के बारे में बात कर रहा है, वास्को डी गामा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा कथन सही है इसके बारे में बात करी जा रही है। कहा जाता है ही वॉज लेड टू कोस्ट ऑफ भरूच बाय गुजराती पायलट नेम्ड अब्दुल मजीद। तो जो गुजराती पायलट अब्दुल मजीद था वो उनको भरूच लेके गए। हो सकता है द रूलर ऑफ कैलिकट ज़ेमोरिन डिड नॉट वेलकम वास्को। तो जो रूलर थे, किंग थे, कौन, किंग ज़ेमोरिन कैलिकट के, उन्होंने वास्को को वेलकम नहीं किया। अरब्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडियन ओशन व्हेन पोर्टुगीज केम। तो जब पोर्टुगीज आए या पोर्चुगल के जो लोग आए वहाँ पर, तो अरब लोग ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे, कहाँ पर, इंडियन ओशन में। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया अरब नेशंस के थ्रू और अरब लोगों के थ्रू यूरोप में अपना सामान बेचा करता था, और यहाँ पे प्राइसेस जो थे उनकी कीमतें 10 गुना तक बढ़ा दी जाती थी, और यूरोपियंस ट्राई कर रहे थे कि इस मिडल मैन को हटाना है और डायरेक्टली इंडिया से ट्रेड करना है ताकि सस्ते सामान को खरीदा जा सके। तो इसी वजह से वास्को डी गामा भी ढूंढते ढूंढते इंडिया तक पहुँचे। उनके जो पायलट थे गुजराती पायलट थे जिनका नाम अब्दुल मजीद थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कोस्ट ऑफ भरूच पर उनको नहीं लेके आए थे, वो उनको लेके आए थे कोस्ट ऑफ कैलिकट, कैलिकट की कोस्ट पे लेके आए थे, और वहाँ पर कैलिकट के जो रूलर थे ज़ेमोरिन, उन्होंने उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया, बहुत वार्म वेलकम दिया। तो इस वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं क्या अरब्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अरब्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे और उनको हटाना ही एक तरीके से पर्पज़ था यूरोपियंस का। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए यहाँ पे यूरोपियंस के आने का और खासतौर पे जो पोर्चुगल के लोग थे उनका आने का इंडिया में दो उनके मेजर फंक्शन थे। तो उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं ड्यूअल पर्पस था। पहला पर्पस होता कि वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सके इंडिया में, और इंडिया में जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। सेकंड एक उनका अल्टीरियर मोटिव था, दैट इज़ टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना थ्रू प्रोसेलिटाइजेशन। प्रोसेलिटाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन। तो हिंदूज और मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना भी उनका एक पर्पज़ था, जो आप फ्यूचर में देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, कि उसी की वजह से पोर्चुगीज को काफ़ी नुकसान हुआ इस क्रिश्चियनिटी वाले फैक्टर को लेकर, अदरवाइज कमर्शियल एक्टिविटीज़ में तो वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए है, क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट थी, बाकी दोनों गलत थे। वेरियस जो रास्ते हैं वो देख सकते हैं आप, किस किस रास्ते से वो इंडिया पहुँचे।